वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोपहर 11:45 में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पीएम मोदी वाराणसी के कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एनडीए के नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान अपने 4 प्रस्तावकों में से एक अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छुए। सूत्रों के अनुसार अन्नपूर्णा शुक्ला मदन मोहन मालवीय के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। वाराणसी सीट से 2004 के बाद पीएम मोदी दूसरी बार मैदान में हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। जनता ने मन बना लिया है और इतिहास का मैं फिर कहता हूं, पहला मौका है कि इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता हमें जितना प्यार दे रही है उसके प्रति हमें हर पल आभार जताना है। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं काशीवासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि 5 साल बाद फिर एक बार काशीवासियों ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मां गंगा के आशीर्वाद से भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध हैं। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा की नगरी के सभी मतदाता कृत संकल्पित हैं। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशीवासियों ने दिए हैं, मैं हृदय पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नामांकन से पहले पीएम मोदी बाबा काल भैरव की पूजा करने पहुंचे। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पीएम मोदी ने बाबा काल भैरव की कपूर आरती की। उनको मंदिर की तरफ से पीतल का विष्णु शंख, रुद्राक्ष की माला और मोमेंटो दिया गया है। आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3,37,000 वोट से हराया था। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का जमानत तक जब्त हो गया था। सूत्र की माने तो कल तक पीएम मोदी को कर देने के लिए कांग्रेस से प्रियंका गांधी तैयार थी, लेकिन अचानक कांग्रेस ने अपना मन बदला और 2014 के कमजोर प्रत्याशी अजय राय को एक बार फिर मैदान में उतारा है। यह तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस को समय रहते समझ में आ गया, नहीं तो शायद उसे जले पर नमक छिड़कने जैसा हालात पैदा होता। वी आवर्स न्यूज ब्यूरो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।